अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कूलिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पैकेज यूनिट का कंडेंसर चेंज करेंगे, जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको जो प्रोसेस है आपको दिखाने के लिए, ठीक है, लाइफ कैसे हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारा जो है नया कंडेंसर जो देख रहे हैं, ये काफ़ी सेफ्टी में है। ये नया कंडेंसर हम लोग आ चुका है, तो आज हम लोग इसको, ये न्यू कंडेंसर है मेरा, देख रहे हैं आप, जॉइंट है, डबल सर्किट है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पूरा चेंज करेंगे, इसको पूरा डिसमेंटल करेंगे यूनिट को। इंशाल्लाह पूरा आपको लाइव वीडियो हम दिखाएंगे, शूट करेंगे इसको। तो हमें कभी भी, जब भी हम ब्रेजिंग उजिंग का काम करना हो, तो सबसे पहले हम लोग गैस को रिलीज कर लेते हैं या रिकवर कर लेते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ गैस को रिलीज कर रहे हैं पूरा, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको डिसमेंटल करके रिप्लेस करेंगे, नया कंडेंसर जो है उसको लगाएंगे। ये 410 का यॉर्क का यूनिट है, सॉरी ट्रेन का यूनिट है ये। तो बॉडी के जितने स्क्रू पे हम लोग उसको खोल रहे हैं अभी, ठीक है। थोड़ा हम फास्ट वीडियो इसमें किए हैं, क्या करें तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अभी देखिए इसका सारा स्क्रू हम लोग खोल रहे हैं, ऊपर टॉप का खोलेंगे। तो हम लोग अभी स्क्रू खोल लिए हैं लगभग, अब क्या क्या कवर निकाल रहे हैं कंडेंसर के सपोर्ट में, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी टॉप का भी इसको प्रो खाएंगे, ऊपर आपको अभी हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो हम लोग अब इसको साइड का जो है उसको हटा के, साइड का हटा देना डायरेक्ट ऊपर फाइन को हमने रिमूव कर दी, क्योंकि हम पूरा डिसमेंटल कर चुके हैं इसको, जो है फाइन को फिटी कर देंगे और ऊपर का कवर फिर हटाएंगे इसको। ऊपर का कंडेंसर फाइन हम लोग ऑलरेडी हटा चुके हैं पूरा कवर के साथ, अभी सपोर्ट में है कंडेंसर के ऊपर, उसको जो है अभी रिमूव करेंगे। फिर साइड का जो गार्ड है उसको जो हटाएंगे पूरा वीडियो में, इंशाल्लाह आपको सपोर्ट देखिए। अभी हम लोग इसको निकाल रहे हैं, जो कंडेंसर का ऊपर जो सपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर एक रबड़ से इसका गैस्केट लगा होता ताकि उसको कंडेंसर का ऊपर आपको लोड ना पड़े, इसलिए उसको रेस्ट दिया जाता है उसमें, जो रबड़ देख रहा है सेम स्टोरी में इसी तरह से करेंगे पूरा वीडियो। उसको साइड साइड में एक नट आर खुलेगा वहाँ से करते हुए, क्या जरूरत नहीं है उसको खोलने का मेरे ख्याल से। क्लास निकाल इसको पूरा। तो हम लोग पूरा सपोर्ट का भी हम लोग खोल दिए लगभग, कंडेंसर अब मेरा ये हो गया सिर्फ सेकंड स्टेज, दो स्टेज का है, तो दो स्टेज का जो अभी इसका वेल्डिंग है उससे डिपेंड कर रहा है। तो अभी हम लोग उसको वेल्डिंग को डीब्रेज नहीं करेंगे, इसको हम लोग कट करके निकालेंगे, क्योंकि डीब्रेज करेंगे तो टाइम ज़्यादा लेट होगा, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है तो उसमें ज़्यादा वेस्ट होगा टाइम, इसको कटिंग करके इसको हम लोग निकालेंगे, बाद में उसको डीब्रेज करके जो बचा हुआ पाएगा उसको निकालेंगे, क्योंकि वो वेस्ट है तो रेडी जगह जगह से लिखे, जिसका वजह से इसको क्या कर रहे हैं, जिधर कंडेंसर का साइड उधर से हम ज़्यादा इसको काट रहे हैं, क्योंकि कंडेंसर जब हट जाएगा तो आराम से उसको जो बाकी का जो पाइप उसको डीब्रेज करके हम निकाल लेंगे। उधर कोना बेटर है कि आप इसको डी ब्रेज करके निकालें ब्रेजिंग से, लेकिन अभी क्या हवा बहुत ज़्यादा चल रही है काफ़ी ज़्यादा, इसको ऐसे में कटिंग करके इसको निकाल रहे हैं। और दूसरी बात है, मेरा कंडेंसर कोई काम का नहीं है, इसकी वजह से हम लोग पाइप काट के निकाल रहे हैं। अब हम लोग नए कंडेंसर का इसको हम लोग कवर को पूरा खोलेंगे, ठीक है, जितना इसका सेफ्टी से इसका जितना भी इसका वुड लगा हुआ उसको हम लोग खोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसको पूरा बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद उसको फिर पुराना कंडेंसर को हटा के फिर इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे, इंस्टॉल से लेके मशीन रनिंग तक का हम पूरा दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। देखिए इसको कंडेंसर को निकालने टाइम बहुत सेफ्टी से निकाला जाता है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम कंडेंसर ऊपर से कुछ गिर जाता है या फिर लकड़ी आपको लगा देते फिर से डैमेज हो जाएगा, तो ये लीक रिपेयर नहीं होता, बहुत मुश्किल से हम लोग इससे पहले लीक रिपेयर करके चला रहे थे। एल्युमिनियम वेल्डिंग को लीक रिपेयर कैसे करते हैं ऑलरेडी हम उसका भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको देखना चाहते हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। ये टोटल जो वीडियो है इसको टोटल बहुत सेफ्टी से हम लोग काम किया, इसको रनिंग मशीन करते तक मैं आपको हम पूरा वीडियो दिखाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। पाइप का जो काट के हटा चुके हैं, कंडेंसर को यहाँ पर डिसमेंटल कर रहे हैं बहुत सेफ्टी से, इसको डिसमेंटल करने का हाथ उस पर लग जाता है, इसके वजह से इसको काम हमें सेफ्टी से करना चाहिए, इसका ख्याल रखें हमारे साथ। देखिए पूरा रेस्ट किया हुआ, इसको भी हम लोग पेंट करके पूरा भी अच्छे से कर देंगे। मेहनती बंदा लोग, पुराना कंडेंसर हम लोग जब नया कंडेंसर को हम लोग निकालेंगे उससे पहले हम दिखाते हैं आपको पेंट मार के हम लोग कितने अच्छे से इसको कर देंगे, पहले का देखिए कैसा है, अभी पेंट मारने के बाद आपको पूरा पेंट कर चुके हैं, अभी अभी हम लोग पैड लगा रहे हैं, ये कंडेंसर का सपोर्ट के लिए लगता है, इसके ऊपर कंडेंसर का इसके ऊपर हम लोग कंडेंसर को रेस्ट देते हैं, ठीक है।
ये टोटल में पैड लगा दे रहा, अभी एक यहाँ लगना बाकी है, ठीक है। और ये नया कंडेंसर, अब इसको यहाँ से हम निकालेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो ये है डबल लाइन है, दो कंप्रेसर है, इसलिए इसमें दो कंडेंसर का लाइन पे आपको दिखाते हैं हम आपको। जो दिख रहा है ये एक दो इन और आउट, मतलब दो सर्किट है इसमें, ठीक है, इन और आउट। देखिए एक ये और वहाँ से इन होगा, यहाँ से आउट होगा, सेम उसी वहाँ से इन होगा, वहाँ से आउट होगा। तो टोटल हम लोग इक्के लिए अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो एक ये लाइन हो गया, ठीक है, दूसरा ये लाइन हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। तो अभी हम लोग कंडेंसर को सेफली बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के उसको रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको आगे जो ब्रेजिंग होता है टोटल हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। अब हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, देखिए इसको फुट पैड में हम लोग इसको रेस्ट डालेंगे। देखिए डालो, ये जो देख रहे हैं, देखिए ये पैड के ऊपर आ गया सब, बहुत बेहतरीन। ये हम लोग देखिए ये पैड के ऊपर आएगा। सो अभी हम लोग इसको फिलहाल ब्रेजिंग करेंगे, ठीक है। डबल सर्किट है, दो कंप्रेसर है, देखिए दो कंप्रेसर है, दो कंप्रेसर है, दोनों का अलग अलग सर्किट है। तो हम लोग ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं इसको, हम लोग ट्यूब से जो डेट किया वो कॉपर से निकाल देंगे, उसके बाद हम उसको ब्रेज करेंगे। देखिए जैसे कि हम बता दें फुट रेस्ट है, इसको हम पैड जो डाले इसको कंडेंसर को इसमें हम रेस्ट किए, ठीक है। देखिए आधा इधर आधा उधर, ठीक है। अब इसका हम लोग टोटल लाइन को जो होता है दो सर्किट है, तो दोनों सर्किट को हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग पाइप को ब्रेज करेंगे, पहले मिलाएंगे उसके बाद ब्रेज करेंगे, ठीक है। ब्रेज करने में जब भी होता है हम लोग एक तब सॉकेट टाइप पे बनाए रहते हैं, फ्लेयर बनाए रहते हैं, ताकि ये थोड़ा ये जो है थोड़ा इन करेगा, उसके बाद ब्रेज करेंगे तो अच्छा जबरदस्त बैठता है, ठीक है। देखिए देखिए ये ऐसे बैठ गया एकदम, ठीक है, थोड़ा गर्म किया था सेम हम लोग सब ब्रेज मारने के टाइम ऐसी करते हैं। तो अब हम ब्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा यहाँ फास्ट करके किए हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। इसको वजह से हम कोशिश करें जितना जितना शॉर्ट में आपको समझा सके। हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, इसके वजह से हमको टीना का सपोर्ट लगाना पड़ रहा है। हमेशा याद रखें जब भी ज़्यादा हवा चलती है तो टीना का सपोर्ट लगा ले, और हम लीक टेस्ट करना ज़रूरी है इसको। जब पूरा वेल्डिंग कर ले, प्रेशर डाल के हम लोग लीक टेस्ट करेंगे, उसको भी आपको आगे दिखाएंगे लीक टेस्ट कैसे करते हैं। चारों जॉइंट को मारे, टू स्टेज का ये कंडेंसर है। जब भी ब्रेजिंग करें तो समझ, एक पाइप जो दूसरा पाइप के अंदर इन होना चाहिए थोड़ा सा भी, तो उसमें क्या होता है वो आपकी ज़्यादा मजबूती हो जाता है उसमें। तो हम लोग जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं हल्का सॉकेट बना के, या फिर आपको स्विचिंग करके उसको आप कर सकते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, ब्रेजिंग करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन देखिए ब्रेजिंग कितना शानदार हुआ है। फ्लेम को हमेशा एक जगह ना रखें, फ्लेम को हमेशा मूव करते रहे, तो एक जगह रखने से क्या होता है कॉपर का पाइप जो है छेदा होने का चांस होता है। नया टेक्नीशियन करते तो हो सकता है ऐसा, बाकी जो टेक्नीशियन जो हमेशा काम करते हैं वो तो उसे मालूम होता है कैसा काम करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रेजिंग देखिए कितना खूबसूरत हुआ है। तो हमेशा याद रखिए, देखिए अभी इसको हम हल्का से लाइट करके दिखाते हैं ब्रेजिंग को, देखिए। तो हमेशा याद रखिए फ्लेम का जो सेटिंग होता है बहुत मायने रखता है। टू स्टेज का है तो इसका चार जॉइंट आता है, तो इसको हम लोग चारों को ब्रेजिंग कर चुके हैं। अब हम लोग इसको आगे का कवर लगाएंगे, उसके बाद लीक टेस्ट करके भी दिखाएंगे आपको। रबर बीडिंग लगा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, सपोर्ट है, क्योंकि इसके ऊपर जो कवर रहेगा उसमें कोई इंजोर्ट ना हो जाए कंडेंसर को हमारा, ठीक है। छोटा पड़ रहा, थोड़ा उधर आगे लो, हाँ बस, हाँ उधर उधर ज़्यादा। काफ़ी सेफ्टी से करते हैं, क्योंकि ऊपर का और नीचे जो फुट रेस्ट है और ऊपर का कवर है, अगर सही नहीं लगेगा तो कंडेंसर चांस होता है। जब मशीन चलता हमारा होता है, इसको प्रॉपर हम लोग इसको बैठाते हैं गैसकेट को, उसके बाद हम लोग कवर लगा रहे हैं, नट से टाइट कर। तो लीकेज कर सकता, इसको अगर ध्यान देंगे तो आगे चल के आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। अब हम कंडेंसर का साइड का कवर लगा, कवर इसमें बैठेगा, इसमें दिख रहा है, इसमें 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 घुस जाएगा ब्लैक कलर, और काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, इसके वजह से हमारे कंडेंसर काफी जाएगा। इसमें लंबे लगा, सिलेक्ट कर दिए, देखिए बदल गया, बस सिलेक्ट कर दिए, नीचे का सा आएगा ना, बस नीचे नीचे एक उसमें और ऊपर का नहीं, ये वो कहां मोटर निकाल दिया।
अब हम लोग इसको ऊपर का टॉप का कवर लगाएं, जिसमें दोनों हमारा कंडेंसर फैन मोटर है, इसको काफ़ी सावधानी से उतारने का, दो तरफ से जैसे हम पकड़ के उतारे धीरे धीरे, इनकेस अगर ये गिर जाता है तो पूरा कम कंडेंसर जो है वो पूरा वो डैमेज हो जाएगा और फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो हमेशा सावधानी से काम करें। तो फाइनली हम लोग ऊपर कवर लगा लिए, अभी दोनों स्टेज को हम लोग वैक्यूम में डाल दिए, वैक्यूम से लग दोनों को इस कंप्रेसर को हम लोग वैक्यूम में डाल दिए हैं। देखिए ब्रेजिंग व्रेजिंग सब कुछ हो चुका है टोटल, टॉप का कवर सिर्फ टाइट करना बाकी है, उसको हम लोग अभी इस वैक्यूम होते के बीच में करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग टाइम काफ़ी बच जाएगा। इस एक तरफ वैक्यूम होते रहे, दूसरा हम लोग अपना काम कर सकते हैं। ये क्या होता, इसमें क्या होता, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। देखिए पूरा का पूरा न्यू कंडेंसर इंस्टॉल कर चुके, पुराना यहाँ पर है, देखिए काफ़ी ज़्यादा लीक हो गया था, दो तीन जगह चार जगह से डैमेज हो चुका है। देख लीजिए इसको, वैसे हम लोग ऑलरेडी वैक्यूम में डाल दिए, लीक टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हम लोग इसको अभी फिर से हम गैस डाल के भी हम लोग फिर से कर रहे हैं, आईडियल हम लोग गैस डाल दिए हैं, उसके बाद हम लोग इसको लीक टेस्ट थोड़ा सा कर रहे हैं फिर से, इसलिए रीचेकिंग वर्क करना जरूरी है, कॉन्फिडेंट अच्छी बात है काम में, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग एक बार रीचेक कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग मशीन को ऑन करेंगे ताकि किसी तरह की परेशानी रहे, एक बार फिर से हम ड्राई फिल्टर को भी चेक कर लेंगे, टोटल रीचेक करेंगे जहाँ जहाँ चांसेस होता है वह लीक होने का, ताकि हमको कोई परेशानी ना हो, ऐसा ना हो गए डाल दे बाद में एक दो दिन बाद लीकेज आ जाए, तो सिस्टम में परेशानी आ जाए, उसको हम लोग नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग रीचेक करते हैं जब भी काम कर रहे हैं, और अच्छी आदत है रीचेक कर ले काम का, कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें क्या होता काम पे लॉस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। फाइनली वैक्यूम हो चुका, हम लोग गैस आईडीएल में डाल रहे हैं, और तब तक साइड का कवर भी हम लोग लगा लेते हैं, तो हम साइड का कवर फिट कर लेंगे, उसके बाद हम मशीन को रन कराएंगे ऊपर का टॉप का नट टाइट करने के बाद। तो हमारा साइड का कवर लगाने के बाद हम लोग फाइनली मशीन को ऑन करेंगे, टोटल हम लोग अभी इसको एक स्क्रू पूरा टाइट हो गया हमारा, मशीन ऑन करेंगे, गैस पर ऊपर चार्ज करके रनिंग करके दिखाएंगे आपको। तो फाइनली हम लोग का काम ख़त्म हो चुका है, हम लोग पैकअप कर लिए है, मिशन सक्सेसफुल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल आपको हम बता दिए कैसे आपको कंडेंसर फैन इंस्टॉल करना है, न्यू करना है, तो एक बार आप सबको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कंप्रेसर का हम रेस्ट करते हैं फुट पैड, इसको हमेशा सही से लगाएं, इसको लगाने ना भूलें। और दूसरा हो गया, देखिए यहाँ पे एक अंदर पे एक रबड़ दिख रहा है आपको, ये जो रबड़ है ब्लैक कलर का, इसको ऊपर जो सपोर्ट है इसका, जो कंडेंसर में रेचो उसको, प्लस ये जो स्क्रू टोटल रीचेक कर ले आप मशीन ऑन करें, तो पहले हम लोग ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, उसके बाद हम मशीन को ऑन किए, तो हम लोग का काम पूरा ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इसमें, जो इंशाल्लाह सॉल्व हो चुका है, मशीन मेरा 100% रन कर रहा है।